और बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां पर बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन हटाने को लेकर जिला प्रशासन ने जन प्रतिनिधियों के साथ में बैठक की है। शहरवासियों की परेशानी को देखते हुए बूढ़ा तालाब से प्रदर्शन स्थल हटाने को लेकर चर्चा की गई है। इस बैठक में महापौर, विधायक सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर बूढ़ा तालाब से धरना स्थल को हटाने को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन नए धरना स्थल के लिए जगहों पर सहमति नहीं बन पाई है। आज शहर के विधायक, दोनों जो मुख्य राजनीतिक दल है, वहाँ उनके अध्यक्ष को बुलाया गया था, उसमें से एक उपस्थित थे। और इसके अलावा जो क्षेत्रीय जो सराफा एसोसिएशन है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनके लोगों को बुलाया गया था। मुख्य रूप से धरनास्थल को लेके और उसके परिवर्तन को लेके बात हुई है। बैठक में सम्मानित विधायकगण, महापौर जी और तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। अफसरों ने भी इस बात को माना कि धरना स्थल अनुपयुक्त है। धरना स्थल हटाने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय भी ले लिया गया है। ये एक ज्वलंत मुद्दा एक बना हुआ है, जो धरना स्थल पर जो होता है बूढ़ा तालाब के पास में, वहाँ पर एक तो चार पांच स्कूल है, उसके अलावा वहाँ पर सबसे बड़ा शमशान घाट है, तो बहुत लोगों को बाजू में सराफा की पूरी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मालिया रोड है, कोतवाली चौक है, तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या होती है। देखिए, एक तो जो बूढ़ा तालाब की परिक्रमा परिपथ को बंद कर दिया गया, उसके कारण भी जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और कभी भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में नई सड़कें बनाई जाती हैं, किसी सड़क को बंद नहीं किया जाता।